आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर के महान नाम से आप सबको आज सुबह के समय में हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया है, अपने चरणों में लेके आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं, आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने हमें इकट्ठा किया है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं राजा। आपके हर एक उपकार को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हृदय की गहराई से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में परमेश्वर अनगिनत उपकार किए हैं राजा, अनगिनत भलाइयाँ किए हैं राजा। आज सुबह के समय में राजा तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बंधन को तोड़ दे परमेश्वर, हमें आज़ाद कर राजा। हमें तेरी आराधना करने के लिए राजा तू सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग आए हैं परमेश्वर, हम उन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। सच्चाई के साथ परमेश्वर, डर और भय के साथ राजा आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। तू महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर है राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक उपकार किए हैं, अनेक भलाइयाँ की हैं राजा। उन सब को सोच के राजा हमारा दिल राजा बहुत ज़्यादा खुश है। वो परमेश्वर तेरी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू सामर्थी है, तू महान है, तू पराक्रमी है राजा, तू जिंदा खुदावंद है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर। जितनी भी भलाई आपने हमारे जीवन में की है राजा, उन सब को सोच के तुझे धन्यवाद देने के लिए सहायता कर, तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। तेरी आराधना करने से हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर, हमें मुक्ति और शक्ति मिलती है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस समय में तू हमारे बीच में है, इस आराधना को आप देख रहे हैं राजा। इस आराधना परमेश्वर, इस पूरी आराधना से आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। इस पूरे हफ्ते तूने हमें संभाला है राजा, हमारी हर एक कमियों को दूर किया है, हमारी हर एक घटियों को दूर किया है, हमारे दिल की आहट को आपने सुना है। हमारे काम करते समय में परमेश्वर, हमारे कार्य के समय में परमेश्वर, हमारे उठते बैठते समय में आप हमारे साथ रहे, आपने हमें संभाला है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप इस आराधना को परमेश्वर चलाइए। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरी अगुवाई से परमेश्वर, तेरी आहट को सुन के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। आज जब हम परमेश्वर तेरी आराधना करें, वो परमेश्वर हमारी संगति आपके प्रति और बढ़ने के लिए सहायता कर। हमारा जीवन परमेश्वर आपसे और नज़दीक होने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बातों से परमेश्वर तुझे आदर देने के लिए सहायता कर राजा। हर एक गीत को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तेरे परमेश्वर वचन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तो आज सुबह के समय में परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला है, हमारे हर एक प्रश्नों के उत्तर को देने वाला है राजा, हमें शांति देने वाला है परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और रिडीमर ईजी चर्च की हर एक बहनों को हम परमेश्वर के नाम से स्वागत करते हैं। सुनने में आया था कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग कम हो चुके हैं। आप अपनी हर एक बहनों को, जो आपके हॉस्टल में जितनी भी बहनें हैं, उन सबको उत्साहित कीजिए कि हम 5 से 6 दिन काम करते हैं,
अपने ऊपर समय को बिताते हैं, अपने कार्य के लिए, अपनी ज़रूरतें के लिए। लेकिन एक ही दिन इतवार के दिन है जिस समय में हम परमेश्वर की कलीसिया में जाके परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब जितने भी हॉस्टल में जितनी भी बहनें हैं उन सबको आप सब उत्साहित करके परमेश्वर की कलीसिया में आने के लिए बोलिएगा। जब हम परमेश्वर के चरण में होते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर अनेक आशीषें देता है आने वाले दिनों में। मैं चाहती हूँ, मैं आपके कलीसिया के पास्टर से, आपके कलीसिया के पासवान से ये सुनना चाहती हूँ कि जितने भी लोग कम हो चुके थे वो सब कम से कम 20-30 लोग हम दुआ कर रहे हैं कि उस कलीसिया में जब भी हिंदी आराधना हो, जब भी हमारी ये जो आराधना आप देख रहे हो, तब तब आप सब लोग, अनेक बहनें अपनी जगहों को छोड़ के, आप सबको इस आराधना में भागी होना चाहिए और इस आराधना की लिंक को, इस आराधना को दूसरों को बताना चाहिए। दूसरे जो लोग हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन सबको उत्साहित करके इस हिंदी आराधना में लेके आने के लिए आपसे निवेदन है। आने वाले दिनों में आप उस कलीसिया में भर के, उस रिडीमर एजी कलीसिया में भर के बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस जगह में मंडलाने वाला है और बहुत ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके कलीसिया में खुद से आके वहाँ पे आपके साथ मिलके एक इतवार के दिन में आराधना करें, आपसे मिले, आपसे संगति करें। और जितने भी लोग भिन्न भिन्न स्थान से हमारी इस कलीसिया की हिंदी आराधना को देख रहे हैं, आप सबको स्वागत करते हैं। आप सबको इस YouTube के माध्यम से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर की करुणा हमारे साथ बनी रही है। आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर की हर एक भलाइयों को सोच के, उसकी उत्तम आशीषों को सोच के उसकी आराधना करें। पहला गीत गाएंगे, कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी, धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे हाथ को थाम के, पुतली की नाई उसने हमारी रक्षा की। दिन रात उस परमेश्वर ने हमारा पहरा दिया है और आज सुबह के समय में ये हमारा कर्तव्य है उस परमेश्वर को हर एक भलाई सोच के उसका धन्यवाद करें। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी, धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली की नाई रात दिन रक्षा किया, दिन रक्षा किया, रात दिन
भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। वीरता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। वीरता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। पापों में भरा था, कुछ भी आशा ना था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में भरा था, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने भलाइयाँ की हैं। अगर इस समय पे अगर हम बैठ के उस परमेश्वर की भलाइयों को गिनना शुरू करें, ये दिन, ये समय, ये हफ्ता हमारे लिए बिल्कुल भी, ये समय, ये हफ्ता हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमें, हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयाँ की हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम अपने एक कलाम में, अपने कलम से लिख के बता नहीं सकते कि परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में भलाई की है। अगर हम लिखना भी शुरू करें तो कलम और किताबें कम होगी। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है और परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें हमारे जीवन में दी है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, जगत में आया जीवन को दिया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे, देता हूँ मैं अपना जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। आई तालियां बजाते हुए, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु।
सदा मैं स्तुति करूंगा। हाँ परमेश्वर, तू हमसे चाहता है राजा कि निरंतर हमारे मुंह से परमेश्वर तेरी स्तुति के शब्द, तेरी महिमा के शब्द, परमेश्वर तुझे आदर देने वाले शब्द हमारे मुख से निकलने पाए राजा। चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो राजा, चाहे हमारी जीवन की परिस्थिति विपरीत हो या फिर हमारे हित में हो राजा, तेरी स्तुति निरंतर करने के लिए सहायता कर, तेरी तारीफ निरंतर करने के लिए सहायता कर राजा, तेरे नाम को निरंतर उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। आइए प्रिय भाई, प्रिय बहनों, अपने स्थानों पे खड़े होके कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। वो हमारा महान सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने उपकार किए हैं, कितनी भलाइयां की हैं। आइए उन सब को सोच के आज के दिन इस समय में उस परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करें। ये समय आपका समय है कि आप अपने मुख खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर से बातचीत करें। ओ परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा, तूने हमारे जीवन में जितनी भी भलाइयां की हैं, जितने भी उपकार किए हैं परमेश्वर, उन सबको सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं हमारे इस जीवन के लिए राजा, इस सांस के लिए, इस परिवार के लिए परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर हमें राजा चंगा करके रखा है। हमारे बीमार होने के समय भी परमेश्वर आपने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये समय परमेश्वर हम तेरे साथ राजा, तेरे साथ हम बिताना चाहते हैं राजा, तेरी उपस्थिति में हम बने रहना चाहते हैं राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर जो क्रिए किए हैं राजा, जो चिन्ह और चमत्कार किए हैं, जो सामर्थ्य काम किए हैं राजा, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। तू हमारे जीवन में सब कुछ है राजा, तू हमारे जीवन में सब कुछ है परमेश्वर, और निरंतर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चिना शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय एक ही काम ना कर।
ना करूं तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं पाप क्षमा कर जीवन दया किया चुना करूं, तेरी आराधना करूं। ओ परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए राजश्याम, तेरी उपासना करने के लिए तूने ये सुंदर समय दिया है राजश्याम। तू ही महान है राजश्याम, तू ही सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन का परमेश्वर सब कुछ है राजा। ये सुंदर परमेश्वर संसार तेरी आराधना करता है और तू चाहता कि हम तेरी आराधना करें। ओ परमेश्वर, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना जीवन दे दे, दया किया सुना करूं, तेरी आराधना करूं, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पाप दम तू दूर हटा दे, पाप दम तू दूर हटा दे, दया किया चुना करूं, तेरी आराधना करूं। ओ परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे जीवन के कठिन समय पे परमेश्वर, हम तेरे ऊपर परमेश्वर निर्भर रह के तेरी आराधना करने के लिए राजा, जैसे अय्यूब के जीवन में जब तुक का पहाड़ था परमेश्वर, उसने तुझे पुकारा, जब जब दाऊद के जीवन परमेश्वर शत्रु ने हमला किया राजा, बहुत से लोग उसके विरुद्ध हो गए राजा, लेकिन उसने तेरी आराधना की, तेरे लिए स्तुति के गीत लिखे परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जब अनेक परेशानियाँ हमारे सामने हों, जब हमारे दिल के सामने, हमारी आंखों के सामने दुख का पहाड़ हो, इस बात को याद रखिएगा, उस परमेश्वर की आराधना करिए, स्वतंत्रता के साथ उसकी स्तुति करिए, उसके नाम को पुकारिए। वो परमेश्वर हर एक पहाड़ों को, हर एक परेशानियों को,
हर एक दुख को तोड़ने वाला परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से महिमा हो। और इस सुबह के अवसर पर यहाँ पर मौजूद और यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वाले सबको महापवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत है। आइए पवित्र परमेश्वर की पवित्र ग्रंथ में ग्रंथ के अंदर परमेश्वर की वचन क्या कहता है करके उसके हम ध्यान करें। पवित्र ग्रंथ के अंदर यूहन्ना की सुसमाचार का 8वां अध्याय का 29वां वचन हम पढ़ के देखें तो वचन क्या कहता है। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। प्राइस गॉड, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ पर उन दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर मनुष्य बनकर आया था। उस समय में ये परमेश्वर यीशु मसीह की मुंह से निकली हुई बात है, और मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। एक इसमें प्रसन्न होता है लिखा है, एक इसमें प्रिय होता है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। भेजा हुआ पिता परमेश्वर की हमेशा प्रिय काम करते रहा। भेजा हुआ पिता परमेश्वर ने क्या बोला है, वही यीशु ने इस संसार में किया है, इसलिए प्रभु ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और उनके साथ रहा। हालेलुया, इसलिए बहुत से लोग बीमारी से जो पीड़ित है, कितने भी जो सैथानिक दुष्टात्मा से जो आदमी पीड़ित है, वो सबको चंगा करके मरे हुए के जीव उठा करके परमेश्वर की ताकत उनके अंदर पुत्र अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के अंदर काम किया, इस वजह से वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा, उनके साथ रहा। इसलिए वो आप और हम अनजाने में जो किया वो हरेक पापों के लिए वो कुर्स पर बलिदान हुआ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। तो इस वचन के बारे में पूरा ध्यान करने के पहले मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा, ये किस समय क्यों इसकी ये शब्द बोलने की हकीकत क्या हुई परमेश्वर को, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को पिता ने भेजा था, तो इसको बोलने का हकीकत क्यों बोलना पड़ा, क्यों किस कारण से ये बात परमेश्वर की मुंह से आई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर जाके इस वचन के बारे में और ध्यान करेंगे। वहां पर देखे हैं तो हम पढ़ के देखे तो पता चलता है 8वां अध्याय के अंदर ही हम ध्यान करने जा रहे हैं। 3रा वचन शुरुआत में पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु ने कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचारी करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरा करें, सो तू इसी रीति के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बातें पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वह उससे पूछते रहे, और उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारें, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए
और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, फिर पाप ना करना। हालेलुया, धन्यवाद। यहाँ पर क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मुंह से ये बात क्यों निकली है, थोड़ा सा गहराई से देखें तो वहां पर व्यवस्था के अनुसार एक व्यभिचार में पकड़े गए हुए स्त्री को लाकर के न्याय करने के लिए यीशु के पास लेके आ रहे हैं। मूसा ने बोला वह व्यवस्था में तो पत्थर मार के उस पूरे लोग, वहां के लोग पूरा छोटे बड़े सब आएंगे, आकर के पत्थर मारेंगे, जो व्यभिचार से पकड़ा हुआ जो स्त्री है वो अंदर रह करके सभी के पत्थर मारे मारे तो पत्थर इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें वो मर जाएगा। ये है अपना न्याय स्थान, अपने प्रमाण की मूसा का जो व्यवस्था है ये। तो आप क्या कहते हैं करके परमेश्वर को दोष लगाने के बजाय से इनको न्याय करने के लिए बोला है, तब परमेश्वर ने न्याय इस तरह किया, उनकी ज्ञान के सामने क्या कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरे इकट्ठे हो गए, छोटे से लेकर बड़े तक पूरा व्यक्ति खड़ा हो गया, पत्थर लेके खड़े हो गए, क्योंकि उस स्त्री को पत्थर मार के मारना है। तो परमेश्वर से पूछने लगे तो परमेश्वर ने बोला, तुम में से छोटे और बड़े, इसमें परमेश्वर का वचन स्टिक लिखता है, छोटे से लेकर बड़ों तक पत्थर लेके खड़ा है। उस समय जब दो तीन बार से पूछने लगा यीशु मसीह से, तब परमेश्वर ने ऐसा न्याय किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ज्ञान वहां पर इस्तेमाल की गई है, तुम में से निष्पाप हो वह पहले उसके ऊपर पत्थर मारे। हालेलुया, ऐसा शब्द है कि इतने आदमी इकट्ठा हुआ, उन सबको देखकर के यीशु ने कहा, तुम में से निष्पाप, पाप किया हुआ कोई भी, पाप ही नहीं किया हो वो व्यक्ति इस स्त्री के ऊपर पत्थर मारे करके परमेश्वर ने लिखने लगा। क्या लिखने लगा होगा, आप क्या सोचते होंगे, सचमुच में वहां पर आया हुआ हर एक व्यक्ति की हकीकत बात लिखते गए, उसको देखे, आप वजन में पढ़ते हैं, कोई भी आदमी वहां नहीं है, सब पत्थर डाल करके चले गए, पत्थर नीचे डाल कर चले गए। कहने का मतलब, अपने मन के, अपने जीवन में किया हुआ हर एक की पाप ईश्वर ने लिख दिया, लकीर बना के। जब लिखते ही देखे छोटे से लेकर बड़े तक पत्थर गिरा करके निकल गया। लास्ट में देखा तो उस स्त्री खड़ी है, परमेश्वर खड़ा है, तब पूछ रहा है, उसने कहा, यीशु ने सीधे होकर के उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? ये सब जो कितने आदमी जी पूरे जनजाति पूरा पत्र लेके आए थे, वो लोग कहाँ गए? क्या किसने भी तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? कोई भी आपके ऊपर पत्थर नहीं मारा? तब वो स्त्री ने बोलने लगी, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना, जा और फिर पाप ना करना। तो आप सोचिए, अगर ऐसा न्याय परमेश्वर ने अपने ज्ञान से इस्तेमाल करके किया है तो वो जिंदगी में मरने तक वो पाप नहीं कर सकता, लेकिन अगर दंड करने से वो मर जाती होंगी, वो आत्मा मर गया होगा, नरक में जाना होगा, लेकिन परमेश्वर ने आसमान और इस जमीन को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एकलता पुत्र, इसलिए बोलता है, मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा,
क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वे प्रसन्न होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इतना महत्वपूर्ण न्याय परमेश्वर ने किया है, इसके बावजूद भी इनके दिल के अंदर, इनके मन के अंदर ये कौन है करके जानने का ज्ञान नहीं पड़ा। अब इस आठवां अध्याय पूरा पढ़ के देखे तो ये परमेश्वर के ऊपर सवाल से ऊपर सवाल के ऊपर सवाल करते गए, तब जाकर के परमेश्वर के मुंह से ये शब्द निकले। कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने कर रहा था। जो व्यवस्था के अंदर जो कमी है उसको कैसे परमेश्वर ज्ञान अपने ज्ञान से दूर किया। बहुमूल्य व्यवस्था के अनुसार, बहुमूल्य जजमेंट माने बहुमूल्य न्याय किया, स्त्री को भी बचा दिया, पाप से छुटकारा कर दिया, वो जीवन मरण से बच गया और स्वर्ग राज्य के लिए वो स्त्री रेडी हो गई। हालेलुया। अगर दंड किया होता, दंड के नाते वो मर गई होती, वो दंड के पतन मानने वाले पूरे साप में पड़ते। वो स्त्री रो रो करके उस पत्थरों के बीच में मर जाती, तो वो अपने दिल मन की गवाही में जो है इनके सबको साफ दे करके वो मरेगी। देखो कितने बड़े आत्मा के विरुद्ध काम हो रहा जा रहा था, उसको परमेश्वर ने ऐसे ज्ञान से, अपने ज्ञान से बचा दिया, ऐसा न्याय किया। कोई भी ऐसा न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्याय का मालिक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। कितना आप ये शब्द पूरा पढ़ के देखे तो ये लोग बार बार परमेश्वर यीशु मसीह को पूछते जा रहे हैं। तब उसने बोला, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा जो काम करने के लिए बोलते हैं उसके प्रस्तर होने वाला जो काम है वही मैं करता हूं, वो छोड़कर मैं कोई काम नहीं करता। इसलिए वो हमारे साथ है, मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। ये सुनने वाले, इस वचन को सुनने के बाद हम और आप से परमेश्वर क्या कहता है करके अभी हम इस पर ध्यान करें। अभी पता चल गया होगा शास्त्रियों को, परिषियों को, दिल दिमाग को परमेश्वर ने कैसे उनके दिल दिमाग में अंदर बैठा हुआ जो काला है उसको परमेश्वर ने जो है उनको मुंह को खड़ा किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यह मैं इस वजन के अंदर एक बात को, लास्ट में लिखी हुई बात को मैं आपके ऊपर लाकर ध्यान करने जाऊंगा, जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब से परमेश्वर आपको और मुझे चुन लिया है, हम उद्धार पा लिए हैं, हम भी कभी परमेश्वर के प्रसन्न होने वाला काम किया है? हम अपने आप को जांचें तो मालूम पड़ेगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रसन्न होने वाला काम कर सकते हैं करके हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो पता चलता है। यब्रियों की किताब के अंदर 11वां वजन का 6वां वजन पढ़ के देखें, 11वां अध्याय का 6 वजन पढ़ के देखें तो यब्रानियों की किताब 11वां अध्याय वजन 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। हालेलुया। विश्वास के बिना
प्रभु को प्रसन्न करना हनोना है। हालेलुया। हम विश्वास हमारे अंदर रहेगी तब जाके परमेश्वर के प्रसन्न काम हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये इब्रानियों की किताब 11 का 6 जो शब्द है, जो वजन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना विश्वास की मसीह की जिंदगी है ही नहीं। जो विश्वास के बिना परमेश्वर की प्रसन्न होने वाला काम ये संसार के अंदर आप नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये उठता है, विश्वास क्या चीज है? आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा, विश्वास क्या चीज है? इसी इब्रानियों की किताब 11 की एकवा वजन पढ़ के देखें, 11 अध्याय का पहले वजन पढ़ के देखें तो, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ये विश्वास आशा किया हुआ वस्तुओं का निश्चय, वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। या विश्वास क्या चीज है करके परमेश्वर अपने प्रेरित पौलुस के द्वारा में सिखाया है। विश्वास क्या चीज है? आशा की वस्तुओं की आशा। आशा अलग है और विश्वास अलग है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या चीज है? विश्वास की परिभाषा क्या है? यहां परमेश्वर ने यहां पर हालेलुया अपने प्रेरित पौलुस का द्वारा हमें बताया है। विश्वास आशा की वस्तुओं के निश्चय, आशा किया हुआ वस्तुओं के ऊपर निश्चय होगा तब जाके आशा की उच्च स्थान में जाएंगे, तब विश्वास। अंधे की हमने ना देखा है लेकिन ईश्वर से होगा करके जो प्रमाण करते हैं वो विश्वास है। हालेलुया। तो आशा की वस्तुओं की निश्चय और अंधे की वस्तुओं की प्रमाण है विश्वास। अगर ये विश्वास आपके पास मतलब आशा से बढ़कर, आशा बढ़ते 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 जाते ही विश्वास में बदलता है। आशा में निश्चय हो जाता है और विश्वास आने पर प्रमाण निकलता है दिल के अंदर। हां, सचमुच में परमेश्वर ने दे दिया, ये प्रमाण है। हाँ, मिलेगा वो आशा है। इस विश्वास के बिना परमेश्वर के प्रिय काम, परमेश्वर के प्रसन्न काम हम नहीं कर सकते। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। लेकिन ये विश्वास कहां से पैदा होता है करके वो जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कहां पैदा होता है करके हम इसको देखे हैं तो रोमियों की किताब 10वां वजन का 9 और 10 वजन पढ़ के देखे तो पता चलता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उधार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धर्मिता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उधार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और 17 वचन पढ़ के देखेंगे। सो विश्वास सुनने से, ये विश्वास कहां से फायदा है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर की वचन को सुनने से आपको विश्वास पैदा होता है। विश्वास की उर्पण कहां है? परमेश्वर की वचन को आप सुन रहे हो, ये सुन करके इस पर विश्वास करें तो तब ये सुनते जो है आपके दिल के अंदर तड़क उठते, तड़कते तड़कते जो है उस बात को आप आशा कर
क्या उच्च स्थान विश्वास के ऊपर आप आ जाते हैं तो विश्वास पैदा हो जाता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वजन से होती है। हालेलुया। इस विश्वास के बिना परमेश्वर की प्रसन्न काम इस संसार में नहीं कर सकते। नहीं तो आप सीधा चर्च में आएंगे जाएंगे सबके साथ हालेलुया हालेलुया बोलेंगे बस चले जाएंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रसन्न काम आप और मेरे से कभी नहीं हो सकता। विश्वास होना जरूरी है। विश्वास के बिना परमेश्वर की प्रसन्न काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसा यीशु मसीह इस शब्द को यहां पर लिखने के बाद मुंह से निकला है, ये बात का मतलब यह है मेरा भेजने वाला मेरा साथ है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर मेरा साथ है। वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वो क्या बोला है मुझे वही मैंने किया है। वो हमेशा उसकी प्रसन्न होता है। हालेलुया। पिता के प्रसन्न होने वाला काम ही बात ही यीशु मसीह ने की, और इसी के अलावा कोई भी काम नहीं की। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इस वजन से हम ये मालूम पड़ गया, विश्वास आशा की वस्तुओं की नीचे और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास का मतलब है, परिभाषा लिखते हैं विश्वास को, मतलब जानने के लिए परमेश्वर यब्रानी की किताब से 11 से पहले वचन से ठीक ठाक हमको समझाया। आशा की वस्तुओं की निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, उसको कहते हैं विश्वास। ये कहां से पैदा होती है? वो परमेश्वर की वचन को सुनने से ये विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास के उर्पण कहां है करके आपके दिल में उठता है सवाल, तो उसके जवाब यह है परमेश्वर की वजन को सुन। सुनने से आपको दिल के अंदर विश्वास तड़प उठेगी। इसलिए रोमियों की किताब के प्रिय पत्रों प्रिय प्रेरित पौलोस ने कहा है, रोमियों की किताब 10:9-10 वजन दोबारा हम पढ़ के देखें कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें तो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तू निश्चय उधार पाएगा। उधार पाने के लिए आपको विश्वास करना होगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने आप और हम जाने में अनजाने में किया हुआ सब गुनाहों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। इस बात को आप या सुनने वाला जो भी है लोक के अंदर हर एक व्यक्ति सुननाई होगा, अपने मन से विश्वास करें। यहां पर शब्द हम थोड़ा सा आपको, अपने मन से विश्वास करें, मन के अंदर यह विश्वास तड़प उठकर उर्पण होकर के बाहर आती है परमेश्वर को वजन को सुनने से। और उधार पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि परमेश्वर ने उसे मरे उसे जिलाया, कुर्सी पर मारा गया, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दफन कर दिया गया है, तीसरे दिन वो जी उठा है करके हम विश्वास करें, तब आप और हम उधार पाएंगे। उधार पाने के लिए 10वां वचन लिखता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उधार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। और विश्वास आ चुका है तो मुंह से हमको बताकर, मुंह से परमेश्वर की सामने जो है हम बताने के परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, इस काम को किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो करके अपने मुंह से बोलेंगे, घर हो जाता है तब। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उधार के लिए मुंह से
अंगीकार किया जाता है। ये मसीह की जिंदगी जिंदगी का एक अस्तिबार है, मतलब फाउंडेशन बोलते हैं। ये बात इसके बारे में आप नहीं जाना तो परमेश्वर की जिंदगी आगे बढ़ नहीं सकता। तब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रसन्न वाला काम इस संसार में नहीं कर सकते। हाँ, जब कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को विश्वास करें, परमेश्वर की वार्ता पर विश्वास करें। आप जो भी सुनने वाले प्रिय भाई, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जवानों का, आप कहीं भी हो, ये जीवित वचन आपके सामने आया, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो जो इस संसार में करने के लिए, बोलने के लिए जो बोला है, वही काम हमने किया है, वो उनके प्रसन्न वाला काम। प्रिय भाइयों, इस बात को सुनते हुए परमेश्वर के वचन को विश्वास करें और विश्वास को नीचे करके, विश्वास को नीचे होने के लिए उधार पा करके परमेश्वर के वचन से मुंह से बोले, तब उधार की मार्ग यही है, परमेश्वर ने हमें रखा गया। तो हर एक दिन, हर एक समय हम इस संसार में परमेश्वर के प्रसन्न वाला काम, प्रसन्न वाली बात, प्रसन्न करने वाला हरेक सोच सब बदल जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारा सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर की प्रसन्न होने वाला काम हमारा जीवन में होना है तो आप परमेश्वर की वचन को विश्वास करना होगा, तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वचन कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं बिसराऊंगा करके बोला है, लेकिन कब ये बात को आप जानो, तब परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे यीशु मसीह की मुंह से भी निकला हुआ है, वही वचन हमारा साथ भी बात करती है। अपने खून के द्वारा मेरे पाप, मेरे कितने भी जो है अनजाने में किए हुए जो भी गुण है, उसको खून के द्वारा मुझे धो करके साफ किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमेशा उसके प्रिय, जो प्रसन्न वाला काम करते रहूंगा करके आप और हमारा दिल, हाँ आप और हम अपने दिल के अंदर निर्णय बनाकर अभी इस वक्त, इस अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, उस पर एक मन होकर के प्रार्थना करें तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको भी अंगीकार करेगा अभी। हालेलुया। नाम से उधार पाने से नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा क्या है जानकर परमेश्वर की प्रिय काम हम करेंगे, तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमें कभी ना अकेला छोड़ेगा। वही तो ईश्वर बोला है, प्रभु यीशु मसीह की मुंह से यही निकला है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इस संसार में जो करने के लिए बोला है वही मैं किया है, वो काम परमेश्वर की प्रसन्नता है, प्रसन्न होने वाला काम है। अभी हम दिल में निर्णय करके प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की और महिमा और स्तुति हो, सचमुच में आपने हमसे बात किया है। हालेलुया। यीशु मसीह की मुंह से निकली हुई बात, पिता परमेश्वर और पुत्र के बीच में क्या बंधन है, वो क्या नीचे है, वो क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रिय काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है करके ठीक तरीके से आपने समझाया प्रभु, सही तरीके से, आशा की वस्तुओं की निश्चय, अंधे की वस्तुओं की निर्माण विश्वास है, वो विश्वास परमेश्वर की वचन को सुनने से होती है प्रभु, उस विश्वास से मेरे दिल भर दे। हालेलुया। अविश्वास मेरे दिल जीवन में अंदर है तो मैं परमेश्वर की
प्रिय काम नहीं कर सकता हूं, प्रसन्न वाला काम नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अपने मन पूरे मन के साथ मैं आपके पास आया हूं। मेरे मन के अंदर आप हा, मेरे मन के अंदर आपके विश्वास तड़क उठे और विश्वास पर हम चले, आपकी वचन सुनकर विश्वास से बढ़े और विश्वास के अनुसार वचन जो बोली है बोला है उस पर मैं चले, तब जाकर के आपका प्रसन्न वाला काम इस संसार में मैं करूंगा। वो पिता एकलता पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का यहां पर प्रसन्न वाला काम होगा। वो अद्भुत काम मेरे वजह से भी, वो काम सर्वशक्तिमान पर मैं भी प्रार्थना करूंगा तो अद्भुत काम होगा, करके तूने अधिकार दिया है वो अधिकार पूरा मैं इस्तेमाल कर सकूंगा, ताकि मैं ये प्रभु हमेशा हमेशा के लिए मेरे अंदर से जो भी बात होगी जो भी काम होगा वो सब आपकी प्रसन्न हो। इस बात से मुझे मेरे जिंदगी पूरा आशीर्वाद से भर लो प्रभु, हालेलुया। इसलिए प्रिय दास प्रिय भक्तों ने ऐसा कहा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, आशा की वस्तु की नीचे अंधे की वस्तुओं का निर्माण, परमेश्वर के वचन को सुनने से वो विश्वास तड़क उठती है, उस विश्वास से भरा यीशु मेरे अंदर आया तो मेरा जीवन बदल गया। अब तक मेरा शरीर क्या बोलती है, मेरा दिमाग क्या बोलती है, वो प्रसन्न वाला काम करता रहा मैं। अभी इस बात को सुनने के बाद ए परमेश्वर मुझे आपके मेरे आत्मा और प्राण शरीर पूरा मैं आपको देता हूं प्रभु, आज से लेकर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रसन्न वाला काम इस संसार में करूंगा, क्योंकि तेरे वजन सुना हूं, तेरे वजन से ही सुनने से ही तेरे विश्वास उत्पन्न होती है, वो विश्वास से मैं और बढ़ते बढ़ते परमेश्वर की प्रसन्न वाला काम इस संसार में करते रहूं। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। हम सब मिलकर बोले, ये मेरा मन यहोवा की धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह। और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होते रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।